नमस्कार किसान साथियों, जैसा कि हम आपके साथ एक नई नई टेक्निक से फार्मिंग, नई नई पोल्ट्री फार्म और मछली पालन की वीडियो लाते रहते हैं, तो उसी के क्रम में ये जबरदस्त पोल्ट्री फार्म और मछली पालन आप देख पा रहे होंगे। वहां पर मुर्गी पालन हो रहा है और यहां पर मछली पालन। जैसा कि मैं एक बार वीडियो में आपको बताया था, काफ़ी प्यार आपने हमको दिया कि उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर किया, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया, तो उसी का यहां पर दूसरा क्रम आप देख पा रहे होंगे कि उधर पोल्ट्री फार्म किया जा रहा है मुर्गी पालन, 5000 चिक्स डाले जा रहे हैं और यहाँ पर मछली पालन। मछली पालन के लिए एक छोटा सा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा तालाब बनाया गया है। इस तालाब में जैसे ब्रिगेड है और ग्रास है, चाइना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डाल देते हैं मछलियाँ। तो इसमें फ़ायदा इनको ये रहता है कि जो मुर्गी पालन की बीट रहती है, जो खाद रहती है, वो इसमें डाल देते हैं। वैसे ही हमें जो मछली पालन में है कई सारी खादें डालनी होती हैं और कई सारे पोषक तत्व देने के लिए, उसमें जैसे गोबर की खाद है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देने के लिए और दाने इत्यादि लगाने पड़ते हैं, तो उनमें हमारी बचत हो जाती है। जो उसका बीट रहता है वो डाल देते हैं, खादें डलवा देते हैं आसपास से और इसमें फैल जाती है तो उसको खा लेती है मछली और बढ़ती रहती है। साथ ही जो मोर्टेलिटी हमारे पोल्ट्री फार्म की होती है, जैसे हमने चिक्स को डाला और 25-30 दिन में हमारा चिक्स मोर्टेलिटी हो गया, खत्म हो गया, तो प्रॉब्लम ये आती है कि उसका हमारा लॉस हो जाता है। लेकिन उस लॉस को बेनिफिट में कन्वर्ट करने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा आइडिया लगाया है और यहाँ पर मछली पालन भी कर रहे हैं, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। और एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पेड़ साइड साइड में लगाए हैं, तो ये पेड़ों का बहुत अच्छा क्रम है क्योंकि पेड़ों को पानी अलग से देने की जरूरत नहीं है और इन पेड़ों का विकास भी अच्छे से हो जाता है। बीच की जो साइड आप देख पा रहे होंगे वहाँ पर कई सारी फसलें जैसे उन्होंने लगा रखी है, लहसुन है, प्याज है, मटर है, धनिया है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर लगा के अपना दैनिक रूटीन जो हमारा साग सब्जी का रहता है वो भी पूरा हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने सारे मित्रों में शेयर करना मत भूलें। धन्यवाद।